one, I'm Atal Salman, welcome to my channel. In previous we have discussed 12th and 11th part of the question number 4. I'll move on the next two questions, okay? Question aapka wahi hai, check karni hai series ko dekh kar ki AP mein hai ki nahi. Aur agar AP mein hoga to aapko common difference ki value find karni aur aage ke teen terms bhi find karni, okay? Chalo 13 solve karte hain pehle. Haan ji, to series kya hai aapka? Given that the series it is root 3, root 6, root 9, root 12 and so on. ठीक है, तो AP चेक करनी है, D1 निकालोगे और D2 निकालोगे. ओके, अब बताइए यहाँ D1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, root 6 माइनस root 3 ऐसा ही रहेगा, D2 हो जाएगा आपका root 9 माइनस root 6, ये भी ऐसे ही, दोनों के अलग अलग ही सेम सेम अलग है. तो व्हाट विल यू राइट, यहीं पे आपको रुक जाओगे, डी वन नॉट इक्वल्स टू डी टू, यहीं पे आपकी बात खत्म. तो सो द गिवन सीरीज विल नॉट फॉर्म एन एपी, तो सो द गिवन सीरीज विल नॉट फॉर्म एन एपी, फॉर्म एन एपी. ठीक है, जैसे कॉमन डिफरेंस अलग हुआ आपको वहीं पे रुक जानी है, एपी फॉर्म नहीं करेगा, मतलब बात खत्म. ठीक है, चलो आगे पे चलो, नेक्स्ट पे आते हैं. इट इज यहाँ भी सीरीज क्या गिवन है, पहले वो लिखो, गिवन दैट द सीरीज क्या होगा, तो वन स्क्वायर है, थ्री स्क्वायर है, फाइव स्क्वायर, सेवन स्क्वायर एंड सो वन. पहले सॉल्व कर लो, स्क्वायर के फॉर्म में है, वन हो गया, नाइन हो गया, ट्वेंटी फाइव हो गया, फोर्टी नाइन हो गया, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई. अब चलो डी वन की वैल्यू कितनी होगी बताओ. नाउ डी वन विल बी 9 माइनस वन इट इज़ 8, और D2 की वैल्यू आपकी क्या होगी, 25 माइनस 9 ये कितना होगा, सॉरी 14 नहीं 17 होगा 16. ठीक है, अब देखो यहाँ पे 15 माइनस 9, ठीक है, उसके बाद दोनों अलग अलग है, सेम सेम दोनों आगे अलग अलग कैली होगा, सिंस D1 नॉट इक्वल्स टू D2, जैसे ही कॉमन डिफरेंस अलग अलग, तो इसका मतलब क्या ये भी आपका नहीं है. तो सो द गिवन सीरीज विल नॉट फॉर्म एन एपी, जैसे ही कॉमन डिफरेंस पर अलग अलग है तो सीरीज एपी फॉर्म नहीं करेगा, आप ही दोगे. ओके, तो नोट करो इसको, दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर.